सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। तरहसी प्रखंड से इफ्तिखार अहमद उर्फ मिट्ठू आज हज के लिए रवाना हुए। हज यात्रा के लिए काफी संख्या में आसपास के लोगों ने आकर उन्हें विदाई दिया। मौके पर इफ्तिखार अहमद ने लोगों को यह संदेश दिया कि यह जो मनुष्य का जीवन है वह एक दूसरे का सहयोग लेने के लिए और सहयोग देने के लिए है। आपसी कलह से बचें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपने जो धर्म के प्रति पूरी तरह से सजग रहें। उन्होंने हज यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना गया है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है जिसे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर पूरा करना चाहिए। यह हरेक मुस्लिम का कर्तव्य है जो सक्षम शरीर के साथ होने के साथ साथ इसका खर्च भी उठा पाने में समर्थ हो, शारीरिक और आर्थिक रूप से हज करने में सक्षम होने की स्थिति को इस्तिताह कहा जाता है और वो मुस्लिम जो इस शर्त को पूरा करता है उसे मुस्ताती कहते हैं। हज मुस्लिम लोगों की एकजुटता का प्रदर्शन होने के साथ साथ उनका अल्लाह में विश्वास होने का भी द्योतक है। यह तीर्थयात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने धू अल हिज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख तक की जाती है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहब्बत के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थयात्रा की यह रस्म हजारों सालों से यानी कि इब्राहिम के समय से चली आ रही है। तीर्थयात्री उन लाखों लोगों के जुलूस में शामिल होते हैं जो एक साथ हज के सप्ताह में मक्का में जमा होते हैं और यहाँ पर कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक ओर वाम वर्त 7 बार चलता है जो कि मुस्लिमों के लिए प्रार्थना की दिशा है। अल सफा और अल मारवा नामक पहाड़ियों के बीच आगे और पीछे चलता है। जमजम के कुएं से पानी पीता है। चौकसी में खड़ा होने के लिए अराफात पर्वत के मैदानों में जाता है और एक शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरा करने के लिए पत्थर फेंकता है। उसके बाद हज यात्री अपना सर मुंडवाते हैं, बलि की रस्म करते हैं और इसके बाद ईद उल अधा नामक 3 दिवसीय वैश्विक उत्सव मनाते हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस गांव में समाज में रहते हैं, वो समाज मेरा ऐसा रहे जहाँ किसी किस्म की कोई बात न रहे, सब कोई अमन चैन से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, एक दूसरे के मुसीबत में काम आवें और सब कोई भाई भाई मिलजुल कर रहें और ईश्वर को याद करें। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने अपने गाँव को, अपने समाज को।